मतलब गणेश मंडल की तरफ से 25वां गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। यहां सभी के लिए हर रोज फ्री लंगर लगाया जाता है। आपको बता दें, चेंबूर कैंप भाजी मार्केट के पास आरसी बैरक एकता पंचायत के जगह पर 25 साल से हर साल गणपति बप्पा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद सभी लोगों को लंगर के माध्यम से खाना वितरण किया जाता है। इसमें क्लब गणेश के सभी युवा मिलकर गणपति उत्सव मनाते हैं। क्लब गणेश और हम पिछले 25 साल से गणपति यहाँ बिठाते हैं जगह पे। गणपति आता है तो त्यौहार आता है तो सबको खुशियाँ होती है। पाड़े वालों में हलचल और खुशियाँ बढ़ जाती है। बच्चे मीन्स खुश हो जाते हैं बस। और कौन सा इलाका है ये? चेंबूर कैंप सिंधी बैरिक, बैरिक नंबर 26, 27, 28 के बीच में हम बिठाते हैं सब। हम लोग क्लब गणेश और एकसा पंचायत यहाँ के जो लोग हैं हमारे साथ सपोर्ट करके हम यहाँ सब मिलके पाड़े वाले गणपति बिठाते हैं। एकता पंचायत के नाम से ये जगह रजिस्टर्ड है जहाँ पे हम पिछले 25 सालों से बिठा रहे हैं। ये हमारा 25वां वर्ष है जहाँ पे हम गणपति जी को लेके आते हैं हर साल। चंदा बस ये जिसकी जो श्रद्धा है वो देके जाता है, किसी से कुछ डिमांड नहीं की जाती है। बाकी पाड़े वाले सारे इलाके वाले सब साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, सारे यार दोस्त हैं, जो भी होता है भगवान की कृपा से कर लेते हैं। ये जगह दरअसल ये खाली पड़ी हुई थी काफ़ी साल पहले। ये कुशल शर्मा जो नगर सेवक थे यहाँ के, उन्होंने ये थल्ला एकता पंचायत को बना के सार्वजनिक कामों के लिए एरिया के लोगों को हैंडओवर किया था उस टाइम पे। कुछ नहीं, कोरोना महामारी तो अब गणेश जी के साथ वो ले जाएंगे जाते जाते। 5th ईयर है हमारा और कोरोना हम सेफ्टी मेजर्स रख रहे हैं। हाँ जरूर, अभी मास्क नहीं पहना है क्योंकि लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, वरना मास्क वगैरह पहन के लंगर बांट रहे हैं, सबको पैकेट्स में दे रहे हैं, ग्लव्स पहन के कर रहे हैं, सारे सेफ्टी मेजर्स कर रहे हैं। दिन रात लंगर करते हैं गरीबों के लिए। सब बच्चे छोटे बड़े बूढ़े सब मिलके हम मनाते हैं 11 दिन। यहाँ पर आप देखेंगे एक अलग सी रौनक लगी हुई है। हम लोग दोपहर और रात को लंगर करते हैं सबके लिए, जैसे जो भी है, जो भी भूखा ना जाए गणपति के दिन पे सब यहाँ से खाना खा के जाए।